हेलो एवरीवन माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वत्स नाउ स्टार्ट मॉड्यूल नंबर फाइव वेक्टर कैलकुलस यानी जब हम बात करते हैं कैलकुलस की फर्स्ट डे से ही हम कैलकुलस पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कैलकुलस कैलकुलस का मतलब है डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यानी हमें दोनों ही चीज़ों को यहाँ स्टडी करना होगा जब भी हम स्टेट चेंज करने के लिए स्टडी करते हैं तो उसे हम कैलकुलस कहते हैं उसके दो पार्ट होते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफेंसीशन तो यहाँ हम वेक्टर का डिफेंशेशन भी सीखेंगे और इंटीग्रेशन भी सीखेंगे फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे तो अब हमें जो डिफेंशेशन और इंटीग्रेशन करना है वो वेक्टर का करना है तो वेक्टर क्या है पहले हमें इसको समझना होगा जैसा कि एलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास से ही आप वेक्टर को समझते हुए आ रहे हैं कि दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती उसे आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं उसे आप वेक्टर कहते हैं जैसे कि हम बात करें मैट्रिक्स मैट्रिक्स में चूँकि डायमेंसन्स होती हैं डायमेंशन में और कोलम होते हैं तो चूँकि उसमें रो और कॉलम में डायमेंसन्स आती हैं उसको हम ट्रेस कर सकते हैं तो उसे हम वेक्टर कहते हैं लेकिन डिटर्मिनंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि जैसे ही हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो एक सिंगल क्वांटिटी हमें मिल जाती है इसीलिए वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं वैक्टर कैलकुलस इज़ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इंजीनियरिंग ऑल ब्रांचेज सभी ब्रांच के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर दो तरीके की हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया स्केलर और वेक्टर मैंने माना एक कोई वेक्टर है जिसके ए वन आई ए टू जे ए थ्री के एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं ए वन फोर एक्सेक्सेज ए टू फोर वाई एंड ए थ्री फोर जेड एक्सेज आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आई जे कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सेक्स वाई एक्सेज एंड जेड एक्सेस गिवन वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट पी एक्स वाई जेड यानी कोई भी हम एक इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं जो पी एक्स वाई जेड है दूसरा कोई टर्मिनल पॉइंट है जिसे हम क्यू कह सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू जेड टू है पहले पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वन वाई वन जेड वन यदि हम उससे एक वैक्टर बनाएँ तो जो पोजिशन वैक्टर बन के आता है उसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो ए वन बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाता है ए टू बराबर वाई टू माइनस वाई वन हो जाता है और ए थ्री जेड टू माइनस जेड वन हो जाता है ये उसके सभी कंपोनेंट्स हैं तो जो वेक्टर हमारा बन के आया वो वेक्टर ए बन जाता है ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर का तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है आई के कोफिशेंट का वोल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशेंट का वोल स्क्वायर प्लस के के कोफिशेंट का वोल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी वैक्टर यानी स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो वैक्टर का मैग्नीट्यूड आया है उसे हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट में शो कर देते हैं और अगर मैं ट्रेस करूं पोजीशन वेक्टर को कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि ओ मेरे पास कोई इनिशियल पॉइंट है और जो मेरे पास पी पॉइंट है वो एक टर्मिनल पॉइंट है तो अगर मैं इनके बीच में एक वेक्टर आर बनाऊं तो वेक्टर आर के जो कंपोनेंट होंगे एक्स माइनस जीरो बनेगा वाई माइनस ज़ीरो बनेगा जेड माइनस जीरो यानी ये एक्स देगा वाई देगा और जेड देगा जिससे जो मेरा वेक्टर बनने वाला है वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के दिस इज़ दी पोजिशन वैक्टर फॉर द पॉइंट पी ये इस पॉइंट के लिए उसका एक पोजिशन वैक्टर कहलाता है आर यानी आर इज़ दी दोजिशन वैक्टर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज होने वाली हैं वो मोस्टली दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये सभी को आनी चाहिए स्टूडेंट क्योंकि जब तक आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएंगी तब तक, तक हम ये नहीं देख सकते कि कैसे इन वेक्टर में हमें आगे बढ़ना है क्योंकि वेक्टर में आगे जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा तो हम दो तरीके की प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो पहली प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स मैंने माना कि जो दो वैक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज़ ए स्केलर क्वान्टिटी वो जो आएगी एक हमेशा ही स्केलर क्वान्टिटी आती है क्योंकि उनके जो बीच में एंगल्स होता है उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एलेवन ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा आपने कि अगर ए वेक्टर कोई है बी वेक्टर कोई है तो उन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो मोडल्स ऑफ ए मॉडल्स ऑफ बी इंटू कॉस्ट थीटा हो जाता है थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनकी प्रोडक्ट हो रही है लेकिन सिंपली अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो उसकी डेफिनेशन ये हो जाती है कि मान लीजिए मेरे पास एक वैक्टर ए है और वैक्टर बी दो वैक्टर्स हैं उन दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हमारी डेफिनेशन ये है कि जो आई डॉट आई होता है स्टूडेंट आई डॉट आई वो वन के बराबर होता है जे डॉट जे ये भी वन के बराबर होता है और के डॉट के ये भी वन के बराबर होता है बट अगर आई और जे की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो के बराबर होती है सेम जे और के की जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाती है और सेम जे तो डॉट आई अगर हम करते हैं तो ये भी के डॉट आई अगर हम कर देते हैं तो ये भी जीरो के बराबर होती है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से कुछ फॉलोअप होती हैं तो इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कुछ ऐसे आएगी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अब यहाँ पर स्टूडेंट अब देख रहे हैं कि ए वन बी वन भी एक स्क्वेलर क्वांटिटी है ये भी एक स्केलर है और ये भी एक स्केलर है जब तीनों का सम करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है सेम इसी तरीके से हम एक क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं हमने माना कि ए और बी दो मेरे पास वेक्टर हैं उनसे जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो ऑलवेज ही एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन मैंने एक दी है यहाँ पर लिखी है मैंने एक डेफिनेशन तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट वो डेफिनेशन ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर में ए वन आई ए टू जे ए थ्री के b इक्वल्स टू बी वन आई बी टू जे बी थ्री के तो जब मैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आता है कि i j k फर्स्ट रो में फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3 बी वन बी टू बी थ्री और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है कि i के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा तो इस रो और इस कॉलम को हम अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे कि ए टू बी थ्री माइनस बी यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें प्लस समीशन मैंने इसीलिए दिया है स्टूडेंट कि फिर यही काम हम जे के लिए करेंगे और सेम यही K के लिए करेंगे तीनों का समीशन आ जाता है तो इसे हम ओपन करने के बाद जो क्वांटिटी मिली चूंकि आई जे के उसमें आए हुए हैं तो वो एक वैक्टर क्वान्टिटी कहलाती है स्टूडेंट सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि हम किसी वेक्टर का मॉडलस कैसे निकालते हैं वैसे मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था लेकिन फिर से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है हर बार यूज करना ही होगा तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है कि ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के तो इस वेक्टर का अगर हमें मॉडल्स चाहिए यानी इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए अगर तो वो कुछ इस तरीके से आती है कि मॉडलस ऑफ ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो इस तरीके से हम मॉडल्स ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पूरे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट सभी को आनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट सभी को आनी चाहिए और वेक्टर का मॉडुलस बार बार आपको निकालना ही होगा वो किस तरीके से निकाला जाता है ये सभी तीन तीनों चीज़ें सभी को आनी ही चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं वेक्टर कैलकुलस में तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी वेक्टर का ग्रेडियंट क्या होता है तो पहले ग्रेडियंट को समझेंगे ग्रेडियंट के लिए एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जिसे डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे वो क्या है फिर डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाद ग्रेडियंट क्या होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच